छोड़ा स्कूल एंड ऑल माई यू के जी चिल्ड्रन. सो एवोल्यूशन शीट्स की हम बात कर रहे हैं और एवोल्यूशन ओरल शीट्स जो हैं, हर एक जो शीट है वो आपकी ओरल होगी. और एक जनरल इंस्ट्रक्शन मैं दोबारा से देना चाहूँगी आपको फॉर माई रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स की. ऊपर दो कॉर्नर्स आपको दिखाई देंगे, इसमें एक कॉर्नर में डेट होगी और एक कॉर्नर में चाइल्ड्स नेम होगा. तो आपको पता ही है कि देर इज़ नो नीड कि मैं आपको बताऊँ कि करना क्या है. ये हर एक शीट पर होगा, हर एक एवोल्यूशन शीट पर होगा. हर एक शीट जो है आपकी वो ओरल ही होगी. सो दिस वन इज़ एवोल्यूशन ओरल शीट जिसकी मैं बात कर रही हूँ. इसमें आपको तीन चार सेंटेंसेस लिखे हुए दिखाई देंगे, लाइक माई नेम इज़. यू विल आस्क टू योर बेबी कि वॉट इज़ योर नेम. ही विल आंसर बैक यू कि माई नेम इज़ दिशा या माई नेम इज़ विकी, वॉट एवर. ओके, सो इस तरीके से. तो अब जो है एक और एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आई एम डैश ईयर्स ओल्ड. मतलब आप उनसे पूछेंगे कि आप कितने ईयर्स के हो, कितने ईयर ओल्ड हो. इन दिस वे तो दे विल आंसर यू कि आई एम 3 years old और 4 years old इस तरीके से. एंड माई स्कूल नेम इज़. अब आप पूछेंगे कि आपके स्कूल का नाम क्या है. ऑफकोर्स दे विल आंसर यू और बहुत जंप करके वो आपको आंसर करने वाले हैं, माई स्कूल नेम इज़ माई जोड़ा स्कूल, लाइक दिस. सो एंड एवोल्यूशन रीडिंग शीट की अब हम बात करते हैं. ये जो एक और आपको शीट दिखाई देगी वो होगी एवोल्यूशन रीडिंग शीट. इसमें जो है आपको भी पेरेंट्स प्लीज़ आप अपने बेबीज़ को बोलेंगे कि ये वर्ड्स वो रीड करेंगे. लाइक आपको इसमें दिखाई भी देंगे वर्ड्स. इस वाली शीट में वो इस तरीके से होंगे, लाइक बैट, टैप, डैड, जैम. ये सारे वर्ड्स आपको दिखाई देंगे उसमें. तो दे विल रीड इट, दे विल रीड ऑल दीज वर्ड्स. उनको रीड करना है इस वाली शीट में. सो लेट्स एन्जॉय दिस.